हजारीबाग शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर, जहां 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, वहीं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने लिया जायजा। हजारीबाग शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरसिंह भगवान का यह भव्य मंदिर, जो कि नरसिंह स्थान से नाम से जाना जाता है, वहीं कार्तिक पूर्णिमा आगामी 19 नवंबर को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि विगत वर्षों में कोविड के कारण सादगी के तरीके से मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष पहले से भव्य और कुछ आकर्षक होगा। क्या कुछ खास होगा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, हम बात भी करेंगे प्रसाद जो बेचने वाले, कैसा क्या रहेगा मेला। इस बार मेला जो कोविड के वजह से एक साल सिर्फ मेला का आयोजन हुआ था, झूला उला भीड़ नहीं रुके इस कारण से झूला उला का आयोजन नहीं किया गया था इस बार है, तो इस बार उसी तरह है, लेकिन मेला का आयोजन पूरी तरह से अच्छी से होगी और भगवान नरसिंह का कृपा रहेगा इस बार। इस बार देखने भक्तों को देखने में क्या कुछ आकर्षक इस बार लगेगा? बस यहाँ केतारी का मेला जो है और गेंदा फूल, ये सब का आकर्षक का केंद्र रहता है। बिल्कुल, केतारी और गेंदा फूल यहाँ का जो कि मेन आकर्षक का केंद्र है। क्या तैयारी चल रही है आपको अपने दर्शकों को मंदिर का भव्य ये आप प्रारूप में दिखा रहा हूँ। एक अलौकिक श्रृंगार किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को इसी जगह, और मैं बता दूं कि हजारों की संख्या में लड़ियां लगती है सिर्फ और सिर्फ गेंदा फूल की। यहाँ के प्रधान पुजारी से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से मेले की तैयारी, कुछ दिन ही बाकी है 19 तारीख को जिस दिन भव्य मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। भगवान नरसिंह के दरबार में हम आ गए हैं, प्रधान पुजारी जी हमारे साथ हैं, कैसी क्या तैयारी? नरसिंह स्थान के कार्तिक पूर्णिमा मेला 19 तारीख को लग रहा है, मेला में पूरा प्रसाद चढ़ेगा, दर्शनार्थी लोग आएंगे, सभी दर्शनार्थी हर प्रकार के यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। अगर पहले पिछले वर्ष की बात करें, अच्छा होगा इस बार, इस पर कोरोना बीमारी और कुछ नहीं, सब आदमी दर्शन करेंगे, कोरोना के नियम का पालन करते हुए मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, नरसिंह बाबा की पूजा करेंगे और भगवान को जय जयकार करते हुए अपने पूजा। बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन को देखते हुए आम भक्तों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ कैमरा बहुत धन्यवाद आवाज हासिल के लिए हजारीबाग। Yeah.